गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे कारक के कितने भेद होते हैं। आठ भेद। पहला क्या है, कारक के आठ भेद होते हैं, है ना। कारक के आठ भेद होते हैं, कारक के आठ भेद होते हैं, आठ भेद, आठ भेद होते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे वो आठ भेद होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, कर्ता कारक। पहला क्या है, कर्ता कारक, है ना। देखिए कर्ता कारक क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, है ना, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से जो क्रिया के करने वाले का पता चले उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अंशु ने पत्र लिखा, है ना, जैसे अंशु ने, इसका जो विभक्ति क्या होता है, ने, इसका विभक्ति क्या होता है, ने। अंशु ने पत्र लिखा, अंशु ने पत्र लिखा, है ना। अंशु ने पत्र लिखा, इसमें क्या होता है, कर्ता का बोध होता है, है ना। इसमें क्या होता है, कर्ता का बोध होता है। पत्र किसने लिखा, अंशु ने, अंशु ने, इसका विभक्ति क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता का, ने। अंशु ने पत्र लिखा, और याद रखिएगा इसमें वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में क्या होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, इसे बोलते हैं ना, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, है ना, वह पुस्तक पढ़ेगा, ये हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, कर्म कारक। दूसरा क्या है, कर्म कारक, कर्म योग्य कर्म कारक, है ना। दूसरा हो गया कर्म कारक। देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं, जब वाक्य में, है ना, जब वाक्य में तो जगह क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर अन्य यानी संज्ञा पर पड़ता, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या हो जाएगा, कर्म कारक में कमल पुस्तक पढ़ता है, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, कमल पुस्तक पढ़ता है। देखिए कमल पुस्तक पढ़ता है, जब वाक्य में, है ना, क्रिया का फल क्या जगह कर्ता पर नहीं पड़कर क्या होता, अन्य मतलब क्या होता, संज्ञा पर पड़ता है। जैसे ये कर्ता हो गया, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पुस्तक, ये क्या हो जाएगा, पुस्तक, ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक। इसका क्या होता है, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को जैसे राम ने रावण को मारा, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक, क्या हो जाएगा, इस तरह से राम ने रावण को मारा, ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को। कमल क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ये हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। जो कर्ता, जो क्रिया का फल जो होता है कर्ता पर नहीं पड़कर किसमें पड़ता है, जो अन्य जो संज्ञा होता है उस पर पड़ता है, वो क्या कहलाता है, वो हो जाएगा पुस्तक, ठीक है, ये हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा करण कारक, है ना, करण कारक, करण कारक, है ना। देखिए जिस करण कारक किसे कहते हैं, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, इसका विभक्ति क्या होता है, से, है ना। इसमें क्या होता है, ये होता है करण कारक, ये हो जाएगा करण कारक, ठीक है। जैसे बोलते हैं जिस साधन, देखिए जिस साधन या माध्यम से, है ना, जिस साधन या माध्यम से क्या होता है, जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है। देखिए करण कारक का मतलब होता है क्या होता है, बताइए, जुड़ना, जैसे जुड़ते, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जैसे क्या हो जाएगा, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, करण कारक में जिस साधन या माध्यम के द्वारा जो कर्ता क्या होता है, क्रिया करता है। जैसे क्या होता है, कर्ता मैं, है ना, काम कर रहा लिखने का। जैसे करण कारक में क्या होता है, जुड़ता है, जो मैं जुड़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं किसे लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, ये तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है, से, ठीक है, इसे व्यक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे राम
राम चम्मच से खाता है, राम चम्मच से खाता है, राम चम्मच से खाता है, है ना। ये क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है हमसे, क्या होता है ये जुड़ा हुआ रहता है, राम माने क्या होता है चम्मच से खाता है ना, जुड़ा हुआ हमसे अलग नहीं होता वो चम्मच। अब मैं कलम से लिखता हूं, ये हो जाएगा करण कारक, ठीक है, करण कारक का। क्योंकि ये जो कर्ता क्या होता है, कर्ता जो क्रिया करता है, क्या करता है, कर्ता क्या हो रहा है, मैं ये करता हो गया, कलम से लिख रहा हूँ राम, राम क्या हो रहा है चम्मच से खाता है, ठीक है, जुड़ ठीक है, ये हो गया करण कारक, ठीक है। अच्छा, इसका विभक्ति क्या होता है से, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा संप्रदान कारक, क्या हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक इसमें तो देना है ना, इसका क्या होता है, इसका होता है को और के लिए, इसका विभक्ति क्या होता है को और के लिए है, इसका विभक्ति होता है, ठीक है। संप्रदान कारक का मतलब क्या हो जाएगा, संप्रदान मतलब किसी को देना है ना, मतलब क्या होता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे क्या कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने पिताजी के लिए, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, राम ने पिताजी के लिए, पिताजी के लिए फल, फल लाया, फल लाया है ना, राम ने पिताजी के लिए फल लाया, ये क्या होता है संप्रदान कारक, को क्या होता है को या के लिए, मैंने हम लोग क्या करते हैं जिसे कुछ दिया जाए और जिसके मैंने कैसे उसके बारे में कुछ मैंने कार्य करने को होता है ना उसे क्या कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने पिताजी के लिए फल लाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लाया क्या हो जाएगा, जो संप्रदान कारक है जो राम ने क्या हो जाएगा पिताजी के लिए क्या लाया, फल लाया है ना, मैंने उनको कुछ उसके लिए मैंने उनके लिए कुछ लाए इसीलिए, तो के लिए, ठीक है।